बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमएस 18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओकाड़ा का जामिया ओकाड़ा के इश्तराक से आगाही रैली का अहतमाम। रैली की क्यादत वाइस चांसलर प्रोफेसर साजिद रशीद और कमिश्नर रेवेन्यू अली अदनान ने की। इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओकाड़ा जोन ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के इश्तराक से वेंस चौक से ओकाड़ा प्रेस क्लब तक एक आगाही रैली का इनेकाद किया, जिसकी क्यादत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद अहमद और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अली अदनान खान ने की। टैक्स की बर वक्त अदायगी के हवाले से मुनक्किद की जाने वाली इस रैली में मुकामी कारोबारी तबकात, वकला से एक बड़ी तादाद और अंजुमन ताशान अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इस रैली का मकसद कारोबारी तबकात को टैक्स की बर वक्त अदायगी के हवाले से तरगीब देना था। इस मौके पर रैली के शुरका से बात करते हुए प्रोफेसर साजिद रशीद ने टैक्स की अदायगी के तरीकाकार के मुतालिक तरबियत फराहम करने के लिए यूनिवर्सिटी की खिदमात पेश करने का ऐलान किया। ये भी बताया कि ओकाड़ा यूनिवर्सिटी इस मकसद के लिए आगाही सेशन और सेमिनार्स का अहतमाम करेगी। कारोबारी तबकात को इन सेशन में शमूलियत की दावत। वाइस चांसलर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में वसाइल और इस्तेदाद की कमी नहीं, बस मुल्क की खुशहाली के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का मुस्बत किरदार अदा करना होगा। तक के लिए इतना ही, देखते रहिए MS 18 न्यूज़।